नमस्कार दोस्तों, जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। समसामयिक की घटना जून जुलाई 2019 का, यह घटना जो है यूपीपीसीएस प्री एग्जाम जो 15 दिसंबर को होने जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया इसरो द्वारा, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रयान 2 किस अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो श्रीहरिकोटा में पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर ये छोड़ा गया था। और प्रक्षेपण यान का नाम था GSLV Mark 3 M1। ये प्रक्षेपण यान का नाम था। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में कब पहुंचेगा? तो ये जो है पहुंच चुका है इस समय 6 से 7 सितंबर 2019 को। यह मिशन जो है यह पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। इस मिशन में पूरी लागत 978 करोड़ रुपये की है, और भारत जो है चौथा देश बना है चंद्रयान पर, चंद्रमा पर भेजने के लिए अंतरिक्ष को, चंद्रयान 2 को। और इससे पहले कौन देश थे? 3 देखिए, इससे पहले रूस, USA और चीन, 3 ऐसे देश हैं जो चंद्रमा पर जो है अपने उपग्रह भेज चुके हैं, और चौथा भारत बना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगी ये चंद्रयान 2 जो भेजा गया है, और दक्षिणी ध्रुव पर पानी मिलने की संभावना का पता लगाएगी, इसका मेन उद्देश्य है। और ये जो है रॉकेट मैन के सिवन के नेतृत्व में चंद्रयान 2 जो है छोड़ा गया था। ये वर्तमान में 9वें अध्यक्ष भी हैं इसरो के, इनका पूरा नाम है के सिवन का, कैलाश सवादियु। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रयान 2 मिशन किन 2 महिला वैज्ञानिकों के हाथ में कमान दी गई, जो इतिहास में पहली बार है? तो 2 महिला का नाम है वनीता मुथैया, निदेशक परियोजना थी ये, और रितु करिधाल ये डायरेक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिकेट का महाकुंभ विश्व कप 2019 का 12वां आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया था इंग्लैंड और वेल्स में। इंग्लैंड का जो है, इंग्लैंड की धरती पर रिकॉर्ड 5वीं बार ये किया गया था। इसका पहला मैच इंग्लैंड एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था वॉल में 30 मई 2019 को, और अंतिम मैच या फाइनल मैच जो खेला गया था लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड एवं न्यूजीलैंड के बीच 14 जुलाई 2019 को। अब देखिए, वर्ष 2019 में जो कुल 10 टीमें इसमें भाग ली थी। विश्व कप के इतिहास में पहली बार विजेता का फैसला सुपर ओवर से किया गया था, और टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन जो है रोहित शर्मा भारत के 9 मैचों में 9 पारियों में 648 रन बनाए थे। किसी भी विश्व कप में 5 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के ही नाम था, और सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के 10 मैचों में 27 विकेट। इस टूर्नामेंट में भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने हैट्रिक लगाई थी। 2 लोग थे, मोहम्मद शमी और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने। इसके अलावा मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को दिया गया, और सर्वाधिक स्कोर 397 रन इंग्लैंड द्वारा बनाया गया था अफगानिस्तान के खिलाफ। 25 छक्के जो एक दिवसीय मैच का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड द्वारा लगाया गया था। इसके अलावा इंग्लैंड को बाउंड्री के आधार पर विश्व विजेता घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनेस्को द्वारा अब तक कितने स्थलों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था? ये शामिल किया गया है 1121 स्थल 30 जून 2019 तक का ये रिपोर्ट है, और भारत के कुल 38 स्थल है। अंतिम स्थल जो है जयपुर को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य घोषित किया गया है, तो ये राजस्थान को घोषित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर आठ है, भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर फैशन नोवा 4 जुलाई 2019 को कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये हुआ था सूरत, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर नौ है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने भारत में कब तक एक राष्ट्र राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की थी? ये किए 30 जून 2020 तक। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के सभी पंचायतों को कब तक ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा की गई थी? ये घोषणा की गई है मार्च 2020 तक। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मोटर वाहन संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की? ये की थी 24 जून 2019 को, सड़क हादसों को नियंत्रित करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 12 है, देश का पहला ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया है, ये किसको घोषित किया गया है? तो उधना रेलवे स्टेशन गुजरात, पर्यावरण ऊर्जा संरक्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 है, 9 जुलाई 2019 को WHO ने किस देश को खसरा मुक्त घोषित किया था? तो ये किया था श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन देश GAFA यानी टैक्स पारित करने वाला पहला देश बन गया है? ये है फ्रांस, यानी GAFA का मतलब होगा गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन। इन पर राजस्व का जो है 3% वार्षिक कर लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने 23 जून 2019 को कहां पर अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो ये किया था लुसाने में, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमेरिकी विदेश मंत्री जिसने 25 से 27 जून 2019 को भारत की यात्रा की, तो ये की थी माइक पोम्पियो ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान में नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसका नाम है, ने कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें है वर्तमान में 29 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। उद्देश्य जो है इसका क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सैन्य सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस तिथि को जन धन योजना में जमा राशि 1,00,000 करोड़ रुपये हो गया? तो ये हुआ था 3 जुलाई 2019 को। क्वेश्चन नंबर 19 है, GST परिषद की 35वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये की गई थी नई दिल्ली। नई दिल्ली 21 जून को, और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, RBI ने 16 जुलाई 2019 को किस बैंक पर 7 करोड़ का जुर्माना लगाया? तो ये लगाया था SBI पर, कुछ नियमों का पालन न करने के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन जातियों को अति पिछड़ी से अनुसूचित जाति का दर्जा देने का निर्णय 29 जून 2019 को लिया गया? तो ये लिया गया था निषाद, मल्ला और माझी को। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस राज्य सरकार द्वारा 4 जुलाई 2019 को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? हरियाणा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, 16 जुलाई 2019 को कहां पर देश की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ये निर्णय लिया गया है सोनीपत, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य द्वारा भारत का पहला कचरा कैफे की शुरुआत की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ से शुरुआत की गई है, जन चौपाल भी। देखिए ये इसमें व्यवस्था की गई कचरा कैफे में कि बेघर लोगों को 1 kg प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने पर नगर निगम द्वारा पूर्ण भोजन इनको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिल्ली का कौन सा शहर सभी सरकारी स्कूलों में CCTV लगाने वाला प्रथम शहर बन गया है? तो ये लाजपत नगर है, यहाँ जितने भी सरकारी स्कूल हैं सब में जो है CCTV लगाया गया है, ये प्राइमरी स्कूल है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वदेशी मिसाइल नाग का सफल परीक्षण कब और कहां से किया गया? तो ये किया गया है 7 जुलाई 2019 को पोखरण से, यानी राजस्थान से,
यह टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता जो है 4 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष की बात करें तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया का है, इसने रोजर फेडरर को हराया, स्विट्जरलैंड के हैं ये, जीता है। अगर महिला की बात करें तो सीमोना हालेप रोमानिया की हैं और ये हराई है अमेरिका की सेरेना विलियम्स को। क्वेश्चन नंबर 28 है, फीफा महिला विश्व कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है अमेरिका ने, नीदरलैंड को हराकर 2-0 से। क्वेश्चन नंबर 29 है, पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में कौन सा पदक जीती हैं? तो ये रजत पदक जीती हैं, जापान की यामागुची से हारकर, यानी जापान की यामागुची जो है स्वर्ण पदक जीती थी और ये पीवी सिंधु को हराई थी, तो इसलिए पीवी सिंधु को रजत पदक दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिमा दास ने 20 जुलाई 2019 को चेक गणराज्य में संपन्न 400 मीटर की दौड़ में कितना समय लेकर प्रथम स्थान प्राप्त की? तो ये समय ली थी 52.09 सेकेंड। इनको जो है डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, हिमा दास को। क्वेश्चन नंबर 31 है, 14 जुलाई 2019 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए गए हैं, तो ये बनाएंगे राशिद खान को, ये तीनों फॉर्मेट के कप्तान होंगे, ये लेग स्पिनर हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के किस पूर्व टेस्ट विकेट कीपर को 13 जुलाई 2019 को अमेरिका की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं किरण मोरे को। क्वेश्चन नंबर 33 है, 2026 का शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश को दिया गया है? तो ये दिया गया है इटली को 2026 का, हालांकि 2022 में जो होगा शीतकालीन ओलंपिक ये बीजिंग में होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 23 जुलाई 2019 को यूके का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? ये चुना गया है बोरिस जॉनसन को, ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे और जेरमी हंट को हरा कर ये बने हैं प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, बोरिस जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 35 है, 18 जुलाई 2019 को किसे प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया था? ये नियुक्त किया गया है विवेक कुमार को, ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं या हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यों के राज्यपालों के बारे में, जुलाई के महीने में जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए थे राज्यपाल, तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए राज्य हैं, इसके बाद वर्तमान राज्यपाल कौन है, पूर्व राज्यपाल कौन थे वहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन और पूर्व में थे यहाँ पर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और पूर्व में थे राम नाइक, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस और पूर्व में थे कप्तान सिंह सोलंकी, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पूर्व में थे लालजी टंडन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वर्तमान में जगदीप धनखड़ और पूर्व में थे केसरीनाथ त्रिपाठी। इसके बाद देखिए नागालैंड के राज्यपाल वर्तमान में हैं आरएन रवि और पहले थे यहाँ पर पद्मनाभ आचार्य, छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके ये प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल बनी है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर थी पहले आनंदीबेन पटेल। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन और इससे पहले थे ई एस एल नरसिम्हन। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, ये गाजीपुर के हैं और देवव्रत यहाँ पर पहले थे, और गुजरात के राज्यपाल वर्तमान में हैं देवव्रत और पहले यहाँ पर थे ओम प्रकाश कोहली। तो ये थे गुजरात या जुलाई के महीने में जो राज्यपाल नियुक्त किए गए उनके, तो राज्यपाल का कभी कभी कुट मिलाने के लिए दे देता है जीएस वाले करंट पेपर में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को सिंगापुर के इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली है? तो ये मिली है ए के सिकरी को।
क्वेश्चन नंबर 38 है, 13 जुलाई 2019 को विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक या मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया अशोकला कांत को, ये महिला है, वर्तमान में SBI की प्रबंध निदेशक भी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 13 जुलाई 2019 को महारत्न कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है नलिन सिंघल को। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1 जुलाई 2019 को किसे उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रभात कुमार को, और इससे पहले थे अनिरुद्ध सिंह के स्थान पर आए हैं प्रभात कुमार। क्वेश्चन नंबर 41 है, 23वें महानिदेशक भारतीय तट रक्षक बल के रूप में पद ग्रहण किए हैं? तो ये किए हैं कृष्णा स्वामी नटराजन, या के नटराजन का शॉर्टकट नाम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, 26 जून 2019 को खुफिया ब्यूरो यानी IB यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो का निदेशक किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया अरविंद कुमार को, इससे पहले थे राजीव जैन, उनके स्थान पर अरविंद कुमार को बनाया गया है IB का निदेशक। क्वेश्चन नंबर 43 है, जून में रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए सामंत कुमार गोयल को, इससे पहले अनिल कुमार धस्माना थे, इनके स्थान पर आए सामंत कुमार गोयल। क्वेश्चन नंबर 44 है, अमेरिका के नए रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? इनको नियुक्त किया गया मार्क एस्पर को। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया क्यू डोंग को, ये चीन के हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, 24 जून 2019 को RBI के डिप्टी गवर्नर जो अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, कौन थे? डॉक्टर विरल वी आचार्य। क्वेश्चन नंबर 47 है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जुलाई 2019 को, जो 21 वर्ष की अवस्था में, ये जो है 1998 से 2013 तक दिल्ली की लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी, और इनका जन्म कपूरथला पंजाब में हुआ था 1938 में, और पहली बार 1984 में कन्नौज से ये सांसद बनी थी शीला दीक्षित, जो आज नहीं रही हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, 12 जुलाई 2019 को 93 वर्ष की आयु में अमेरिकी वैज्ञानिक का निधन हो गया जो कंप्यूटर पासवर्ड का आविष्कार के लिए जाने जाते थे, तो वे थे फर्नांडो कार्बेटो। क्वेश्चन नंबर 49 है, ITBP की DIG जिसने 30 जून 2019 को उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत देनाली पर तिरंगा फहराई थी, ये थे अपर्णा कुमार। क्वेश्चन नंबर 50 है, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2019 का खिताब जीती हैं, कौन जीती हैं? तो ये है प्रिया सराव, ये भारतीय मूल की हैं लेकिन मिस ऑस्ट्रेलिया है 2019 की। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में बिहार के किस शहर में अक्यूट इन्फ्लेस्टाइटिस सिंड्रोम अर्थात चमकी बुखार से 128 बच्चों की मौत हो गई? तो वह है मुजफ्फरपुर, और यह बीमारी जो है तंत्रिका संबंधी बीमारी है, मस्तिष्क में सूजन पैदा करती है, और इसका लक्षण है सिर दर्द, बुखार, गर्दन में अकड़न और उल्टी। क्वेश्चन नंबर 52 है, चर्चित पुस्तक विवेक दीपनी के लेखक हैं? तो ये हैं उपराष्ट्रपति MVenkaiah Naidu। क्वेश्चन नंबर 53 है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया है? 2018 का पुरस्कार है जो 19 जुलाई 2019 को दिया गया, ये दिया गया जाकिर हुसैन जो तबला वादन है, सोनल मान सिंह नृत्यांगना, जतिन गोस्वामी नृत्यक, कल्याण सुंदरम पिल्लई ये भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं, अकादमी रत्न ने इन सभी को जो है पुरस्कार दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, महात्मा गांधी पुरस्कार 2019 अमेरिका द्वारा किसे प्रदान किया गया था? ये पुरस्कार प्रदान किया गया है सैम ब्राउन बैंक को, जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामलों के राजदूत हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? ये शामिल किया गया सचिन तेंदुलकर को। क्वेश्चन नंबर 56 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जुलाई 2019 को किन हवाई अड्डों को लीज पर देने की अनुमति दी है?
ते तीन हवाई अड्डे हैं, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्वेश्चन नंबर 58 है, हायाबूसा 2 किस देश का अंतरिक्ष यान है जो 11 जुलाई 2019 को क्षुद्र ग्रह पर लैंडिंग किया? तो ये जो है जापान का है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस राज्य द्वारा जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है दिल्ली द्वारा, जन जागरूकता अभियान दिल्ली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 है और अंतिम क्वेश्चन है, फर्नांडो डी ला रुआ का 9 जुलाई 2019 को निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे अर्जेंटीना के। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। इसी तरह 14 दिसंबर तक करंट अफेयर्स जो आपको मिलते रहेंगे, ये जो पिछले 6 महीनों का है, और नवंबर तक करंट हम अपडेट करेंगे। वैसे 15 दिसंबर का एग्ज़ाम है, तो आपका पूरा नवंबर से पहले जो होगा अक्टूबर का, सितंबर का, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जो है अगले वीडियो में अपलोड करेंगे हम। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।